ऐसे नए नए फॉर्मूले भी निकालने हैं कि साहब इस चीज़ों को अपना सकते हैं, बच सकते हैं। कई बार लोग नंबर प्लेट में अपना उसको चेंज करके आ रहे हैं, कुछ लोग उसको ऐसा इस तरीके से गंदा कर रहे हैं कि वो पता ना लगे। तो इस प्रकार के जो नए प्रकार के लोग वाहनों के साथ में भी जो सड़कों पर उतर रहे हैं, वो क्या नई चीज़ें पता लग रही हैं इस बीच में? देखिए, इसमें उल्लंघन करने वालों का 2,000 रुपये का चालान है, तो 2,000 रुपये के चालान से ही इतना असर पड़ा है कि लोग अपने मर्जी से ही गाड़ियां नहीं चला रहे। तो अगर कोई नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी करेगा या डुप्लीकेट या फर्जी नंबर प्लेट लगाएगा, उसमें तो उसको जेल भी हो सकती है और ये बहुत ही संगीन जुर्म इंडियन पिनल कोड के तहत माना जाएगा। तो अभी तक तो ऐसा कोई किस्सा देखने में नहीं आया। जब मैं समझता हूँ कि 2,000 का ही इतना असर है, तो जेल जाने से तो लोग जरूर अवश्य घबराएंगे और ऐसी कोई जरूरत नहीं करेंगे कि फर्जी नंबर प्लेट या कुछ किया जाए। ऐसा कोई किस्सा अभी तक तो देखने में नहीं आया जी। लेकिन सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन कई बार लोग ऐसे कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि 3 को 8 बनाने की जुगत में भी लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इस प्रकार की कहा गया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है जी। आपको लगता है कि जिस तरीके से, क्योंकि कोशिश ये की गई लोगों को जागरूकता भी हो, कि आपको लगता है कि अभी तक जो विशेष रूप से जो अन्य NCR के अलावा या NCR के जो अन्य राज्य हैं उससे जो लोग आ रहे हैं, उनको इस बारे में कितनी जानकारी अभी उपलब्ध हो पा रही, उनको जो दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, ऑड इवन पिछले 15-20 दिन से मीडिया में चर्चा में है और समाचार पत्रों में भी इसके बारे में काफ़ी लिखा गया है, विज्ञापन भी दिए गए हैं। तो जो दिल्ली या आसपास के काफ़ी लोग हैं उनको तो इसके बारे में जानकारी है, लेकिन शुरुआती दिनों के जो चालान जो हमने किए हैं उनमें आसपास के स्टेट्स के, राजस्थान के या ऐसे लोग थे जिनको आइडिया तो था कि ऐसा कुछ आने वाला है, लेकिन कब से आएगा